आज हम बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड से हलवा बनाएंगे। इसे हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जिसे खाके कोई ये नहीं कह सकता कि ये ब्रेड से बना है। इसे आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मल्लिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। 4 पीस ब्रेड को लेके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आप बाजार की, घर की कोई भी सैंडविच ब्रेड या आटा ब्रेड ले सकते हैं। साथ में हमने 300 ml दूध ले लिया है। 4 बड़े चम्मच देसी खांड ली है, आप इसकी जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। 2 चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है और साथ में ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। एक पैन या कढ़ाई ले ले जिसमें हम घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम बादाम डालेंगे। बादाम को फ्राई होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। 20 से 30 सेकंड के बाद हम काजू भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट का कलर चेंज हो गया है, ये देखिए फ्राई हो गए हैं, तो इसमें हम रेजिंस भी डाल देंगे। किशमिश, किशमिश को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसे 5 से 10 सेकंड में निकालना होता है। सारे ड्राई फ्रूट को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को हम बिना फ्राई किए भी हलवे में डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से ड्राई फ्रूट का टेस्ट बढ़ जाता है, जो कि हलवे का टेस्ट और एनहांस करेगा। इसी घी में हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर देते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ब्रेड क्रम्स को रोस्ट होने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आप चाहें तो घी थोड़ा कम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हलवे में घी का टेस्ट अच्छा लगता है और घी हेल्दी होता है। ब्रेड क्रम्स अच्छे से घी में रोस्ट हो गए हैं और ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और साथ में टेक्सचर भी चेंज हो गया है और ये बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे केसर भी डाल सकते हैं। 1 मिनट हम और रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम दूध डाल देते हैं, एक बार चला लेते हैं। अब इसमें हम देसी खांड डाल देंगे। आप इसकी जगह पे चीनी, शक्कर, मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉयल होने तक फ्लेम फुल रखेंगे और फिर बाद में इसे लो मीडियम कर देंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे कुक करते रहेंगे। दूध ज़्यादा डालने से हमें इसे थोड़ी देर ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, जिससे खोए जैसा टेस्ट आएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। यदि आप इसे कम दूध में बनाना चाहते हैं तो आप दूध कम भी डाल सकते हैं और चाहें तो दूध के साथ खोए का यूज़ भी कर सकते हैं। पूरी किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो रही है। मुझे आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप ये रेसिपी कौन सी जगह से देख रहे हैं और आप अपने फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहें। कंसिस्टेंसी ठीक हो जाने पर इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये तले पे लगे ना। तले पे लगने से इसका टेस्ट खराब हो सकता है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट इसे लगातार चलाते हुए और कुक कर लेंगे। हलवा पैन से एकदम अलग हो गया है और ये देखिए ये थिक भी हो चुका है। थोड़ा सा ठंडा होने पर ये और थिक हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। हलवे को हमने एक प्लेट में डाल के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है और ये देखिए देखने से ही कितना सुंदर लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट तो वाव। ये बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बन गई है। इसे खा के कोई नहीं कहेगा कि ये ब्रेड से बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।